हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गैलेक्सी। आज इस वीडियो में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपके सामने शेयर करने वाला हूं और ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है हेल्थ से, जहां पे हम जानेंगे साइटिका की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। साइटिका क्या है, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, क्या ट्रीटमेंट आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी समझेंगे केवल एक वीडियो में। इसी तरीके की बहुत सारी न्यू अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय पे जो भी नया नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपको रिसीव हो जाए और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं साइटिका है क्या, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं साइटिका का दर्द क्या होता है। साइटिका का दर्द बहुत आम है। साइटिका एक नस होती है जो कूल्हे से लेकर पैर के निचले हिस्से से होती हुई एड़ी तक जाती है। इसमें बहुत तेज दर्द उठता है। नसों में होने वाला ऐसा दर्द जो कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर पैरों के नीचे तक जाता है, जिसे हम आमतौर पर साइटिका का दर्द कहते हैं। ये कुछ इमेज मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ ताकि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। ध्यान से अगर इस इमेज को देखिए तो ये वो पार्ट रेड करके डिस्प्ले कराने की कोशिश की गई है जो साइटिका नर्व को, साइटिका नस को रिप्रेजेंट कर रही है। रेड कलर से रिप्रेजेंट की जा रही है और ये नस जो है वो कमर से लेकर कंप्लीट नीचे एड़ी और पैरों तक पहुंचती है। और इस नस में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको ये बहुत ही हैवी पेन फील होता है वेस्ट, कमर से लेकर निचले पूरे हिस्से में। आइए जानते हैं क्या है कारण इस साइटिका के। साइटिका हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों से विकसित होता है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, चलना या दौड़ना, अधिक मेहनत करने या भारी वजन उठाने से यह समस्या हो सकती है। खराब जीवन शैली व खान पान, लंबे समय तक बैठे रहना या उठने बैठने की गलत मुद्रा से भी ये दर्द हो सकता है। क्या लक्षण क्या है इस साइटिका के जान लेते हैं। मरीज को सबसे पहले कूल्हे मतलब वेस्ट, कमर में दर्द होता है और फिर धीरे धीरे यह दर्द नसों से होते हुए दोनों पैरों में बढ़ता है। इससे उठने बैठने व चलने फिरने में काफी दिक्कत महसूस होती है। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। जब कभी भी आपको ऐसा लगे जिसमें आपकी पीठ के निचले हिस्से या आपके पैर में अचानक तेज दर्द होता है और आपके पैर में मांसपेशियों में कमजोरी या सुन्नता जैसा महसूस हो, तब आपको अवश्य अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। आपका दर्द कुछ हफ्तों से अधिक समय तक रहता है। दर्दनाक घटना में घायल होने के बाद आपका दर्द शुरू होता है। आपको अपने आंत या मूत्राशय को नियंत्रित करने में समस्याएं आती हैं। इन सभी परिस्थिति में एक बहुत ही अच्छा सुझाव ये है कि आपको बिना विलंब किए हुए अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श अवश्य करना चाहिए। साइटिका का जांच कैसे कराएं। अगर साइटिका की परेशानी है तो डॉक्टर खुद ही कई तरह की डिफरेंट अलग अलग जांचें करा के उस साइटिका को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला टेस्ट होता है इमेजिंग परीक्षण का। इमेजिंग की हेल्प से आपके साइटिका की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक्सरे एक बहुत ही अच्छा जांच का तरीका हो सकता है साइटिका को फाइंड करने के लिए। एमआरआई, सीटी स्कैन या इलेक्ट्रोमोग्राफी, जिसे हम बोलते हैं ईएमजी बोलते हैं, इन सभी में से डॉक्टर को जैसा उचित लगता है वैसा टेस्ट आपके लिए लिख देता है। और इन सभी टेस्ट से बहुत आसान तरीके से आपकी साइटिका की पूरी जानकारी डॉक्टर को मिल सकती है। क्या इलाज है साइटिका का उसको जानते हैं। साइटिका का दर्द ज़्यादा होने पर स्टेरॉइड दवा दी जाती है और कई बार देखा गया है कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से इस दवा का अलग अलग साइड इफेक्ट इंसान को देखने को मिलते हैं। तो सबसे अच्छी राय ये है कि यदि कुछ ऐसा दर्द महसूस हो आपको तो कुछ समय तक इंतज़ार करके इसके बाद आपको अवश्य अपनी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दर्द असहनीय होने की स्थिति में दवा को इंजेक्शन के जरिए कमर में पहुँचाते हैं। यदि दर्द असहनीय होता है तो ऐसे केस में आपको इंजेक्शन के जरिए दवा दी जाती है, साथ ही एक्सरसाइज व फिजियोथेरेपी की सलाह दी जाती है। फिर भी दर्द बना रहे तो सर्जरी आखिरी उपाय होता है। इस दर्द में कुछ योगासन आराम पहुंचाते हैं, जैसे भुजंगासन, वायु मुद्रा, मकरासन, मत्स्यासन, क्रीड़ासन और वज्रासन। इस सभी योगासन की कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो के आई बटन पे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएगा, जिसके जरिए आप उन आसन को समझ के अपने प्रयास को पूरा कर सकते हैं योगासन के जरिए।
और साइटिका के दर्द में काफी हद तक रिलैक्स पा सकते हैं। आइए जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइटिका को किन घरेलू उपचारों से कम या खत्म किया जा सकता है। साइटिका का सबसे कारगर इलाज है मालिश। नारियल तेल या सरसों के तेल के अलावा प्रसारणी तेल, महानारायण तेल, दशमूल तेल, सहचारी तेल, तिल का तेल आदि उपयोग में लिया जा सकता है, जिसकी मदद से आप साइटिका जैसे दर्द को कम कर सकते हैं। साइटिका का दर्द ठंड के दिनों में ज़्यादा परेशान करता है, ऐसे में सरसों के तेल को थोड़ा गर्म करके इस्तेमाल करें। पैरों को ठंड से बचाएं, ऐसा करके भी आप साइटिका के दर्द से राहत पा सकते हैं। हर श्रृंगार से साइटिका का कारगर इलाज होता है। हर श्रृंगार एक पौधा होता है जिसके पत्तों और छाल को पानी में उबाल लें, पानी ठंडा होने के बाद छान लें और रोज सुबह खाली पेट पिएं। साइटिका का दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसी तर्ज पर अजवाइन का भी उपयोग किया जा सकता है। अजवाइन का जूस पीने से पैरों की सूजन भी दूर होती है। मेथी का दाना, जिसका सेवन करके आप साइटिका जैसे दर्द को दूर कर सकते हैं। सुबह उठते ही एक चम्मच मेथी दाना पानी के साथ खाएं, इससे साइटिका समेत कई अन्य बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। अश्वगंधा को तिल के तेल में डालकर मालिश करें, इससे न केवल साइटिका बल्कि पैरों का सुन्न होना, मांसपेशियों की ऐठन और पीठ दर्द भी दूर होती है। साइटिका के इलाज में अरंडी की जड़ और छाल का उपयोग भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं किन सावधानियों को बरत के आप इस तरह के दर्द से रिलैक्स पा सकते हैं, इस तरह के दर्द से निजात पा सकते हैं। यदि आपको कुछ इस तरीके का दर्द महसूस हो तो भारी सामान उठाने से परहेज करना चाहिए, भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग करना चाहिए, हाई हील नहीं पहनना चाहिए। अधिक दर्द होने पर शरीर को आराम दें, प्रभावित हिस्से की सिकाई या मालिश करें, मुलायम गद्दे पर सोने से बचना चाहिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की साइटिका से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कई ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। सही रहें, स्वस्थ रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ दोबारा प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।